नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में, और यह एक बॉयलर माउंटिंग है। बॉयलर की सेफ्टी और स्टीम जनरेशन की प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण करने के लिए बॉयलर की बॉडी पर जो यूनिट लगाई जाती हैं उन्हें बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। भारतीय बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार वाटर लेवल इंडिकेटर या वाटर गेज भी बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या काम है। वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन फंक्शन है बॉयलर में कॉन्स्टेंटली वाटर के लेवल को इंडिकेट करना, जिसे देखकर अटेंडेंट बॉयलर सेल के वाटर स्पेस में फीड वाटर की सप्लाई का रेगुलेशन करता रहता है, ताकि वाटर के लेवल को मेंटेन रखा जा सके। अब बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्रत्येक बॉयलर के फ्रंट में वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, यह बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। यहाँ पर जो वाटर गेज या वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ फ्रंट साइड पे लगा हुआ है। और इसी प्रकार अगर फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें, जैसे कोकरन बॉयलर है, तो इसमें जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो यह बॉयलर की फ्रंट साइड पर लगा होता है, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें मेनली होलोगन मेटल कास्टिंग दो होती हैं, एक अपर साइड पर एक बॉटम साइड पर, और दोनों बॉयलर सेल के एक स्टीम स्पेस पर लगी होती है, दूसरी वाटर स्पेस के साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर में मेनली तीन कोक होते हैं, स्टीम कोक, वाटर कोक और ड्रेन कोक। स्टीम कोक की मदद से ग्लास ट्यूब को बॉयलर सेल के स्टीम स्पेस के साथ कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। जिस समय स्टीम कोक वर्टिकल पोजीशन में होता है, उस समय बॉयलर सेल का स्टीम स्पेस ग्लास ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है। जिस समय यह ओरिजोनटल पोजीशन में होता है, उस समय दोनों का डिसकनेक्शन होता है। उसके बाद है वाटर कोक। वाटर कोक बॉयलर सेल के वाटर स्पेस के साथ ग्लास ट्यूब को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जिस समय वाटर कोक वर्टिकल होता है, वाटर स्पेस में बॉयलर सेल के वाटर स्पेस और ग्लास ट्यूब में कनेक्शन होता है, और जिस समय वाटर कोक हॉरिजॉन्टल होता है, उस समय दोनों में डिसकनेक्शन होता है। उसके बाद है ड्रेन कोक। ड्रेन कोक का प्रयोग ग्लास ट्यूब से वाटर को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ताकि जो ग्लास ट्यूब है और जो ये वाटर ट्यूब है, इनमें किसी प्रकार से कोई सेंडिमेंट्स, मतलब कि कोई फॉरेन एलिमेंट, उनका कोई भी एक्यूमुलेशन ना हो सके। तो उस प्रकार इसमें जो अलग से स्क्रू कैप हमें नज़र आ रहे हैं, इनका काम होता है कि ये अपर साइड और बॉटम साइड दोनों साइड होते हैं, ये जो स्टीम और वाटर के पैसेज होते हैं, जब इनको क्लीन करना होता है तो स्क्रू कैप को रिमूव करके इनका क्लीनिंग किया जाता है। उसके बाद ये जो ग्लास ट्यूब है, इसको गार्ड ग्लास कवर के साथ कवर किया जाता है, और यह काफ़ी टफ होता है। और यहाँ पे अलग से एक होलो मेटल कॉलम लगा होता है, जिसको ऊपर टॉप साइड में और बॉटम साइड पे बाल रेस्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे काम करता है। अगर हम देखें स्टीम कोक और जो वाटर कोक का, दोनों वर्टिकल पोजिशन में है, मतलब कि वाटर स्पेस ग्लास ट्यूब और स्टीम स्पेस और ग्लास ट्यूब का आपस में कनेक्शन है। ड्रेन कोक हॉरिजॉन्टल है, ड्रेन कोक क्लोज रखा है। तो जिस समय दोनों वर्टिकल पोजीशन में हैं, उस समय बॉयलर सेल के स्टीम से जो स्टीम है वो ग्लास ट्यूब में एंटर करती है, और इधर से वाटर स्पेस से यहाँ से जाती हुई जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब में एंटर करता है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये वाटर लेवल को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो अटेंडेंट है वो यहाँ से देख सकता है, जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अटेंडेंट है जो वाटर लेवल को देख रहा है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस समय ग्लास ट्यूब ब्रेक हो जाए, तो उस दौरान क्या होता है। तो हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं कि इस डायग्राम में पूरी तरह से इंडिकेट किया गया है कि जो ग्लास ट्यूब है वो ब्रेक हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो बाल यहाँ पर रेस्ट करती हैं, जो होलो मेटल कॉलम होता है, ये जो बाल होती हैं, वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जिस समय ग्लास ट्यूब का ब्रेकेज होता है, उस समय जो ग्लास ट्यूब पे प्रेशर होता है वह बॉयलर प्रेशर से काफ़ी कम होता है।
तो जिसके कारण ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही जो बॉल यहाँ पर रेस्ट करती हैं वो यहाँ मूव कर जाती हैं दोनों साइड में, जिससे क्या होता है कि जो स्टीम और वाटर रश कर रहा था वो बंद हो जाता है, दोनों की ओपनिंग बंद हो जाती है। और उसके बाद स्टीम कोक और वाटर कोक को वर्टिकल पोजीशन की बजाय इसको हॉरिजॉन्टल किया जाता है, जिससे यहाँ से कोई स्टीम एंटर ना करे और यहाँ से कोई वाटर अंदर एंटर ना करे। और दोनों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करने के बाद ग्लास ट्यूब को रिप्लेस किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।